कैसी करे बेटा। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज आज है नोवा रोज़ा, आप सभी को नोवा रोज़ा मुबारक हो। तो गाइज मैं लेके आया था एक हेलमेट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज गुड्डू ने रखा है रोज़ा और वो रोज़ा रख के काम पर जाकर, तो देखते हैं उसको कैसा फील होता है। तो आइए मैं पहले आपको हेलमेट दिखा देता हूँ गाइज। ये है हेलमेट, देख सकते हैं जरा। तो आज लगेगा रोजा कैसा? बढ़िया देखेंगे। अम्मी 12 बजे कॉल करके पूछेंगे इससे है कैसा गंजे कैसा कट रहा है रोजा। रोजा रखे कब रखे तूने? पूरे साल, पिछले साल गंजे जिस दिन रख लेगा ना लॉकडाउन में इसने पूरे 22 नहीं लॉकडाउन में तो सबके तो 22 अम्मी बस रोजे सोचते में निकल गए थे। तेरे तेरे को देख रही है क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है चाचा मेरा। चुकर, चुकर, चुकर। अब आज 12 बजे पूछेंगे काम पे कैसा लग रहा, पर गंजा सोता ही रहेगा वहाँ। नहीं काम वगैरह में खड़ा ना, इसको तो बनाइए। चलो क्या सही है, अच्छी बात है। वो कहाँ गया? हैगा मगर सही है, सेफ्टी होना चाहिए। ठीक लग रहा पीछे, ये सही है, ऐसी लग रहा था पता है। पीछे घूमा तो सही लग रहा ना। 7-8 तक हो गया गाइस, कैसा लग रहा है जरूर बताइए। ऑफिस आ चुके हैं, ऑफिस आ चुके हैं गाइस। फाइनली गाइस ऑफिस पहुंच चुके हैं, आज हो गया हम लेट। ये रहा हेलमेट। तो गाइस तरावी पढ़ के आ चुके हैं और आज है कॉलोनी में एक और कुरान पूरा, पर वहाँ पे मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि वहाँ हो चुके 9:30 का टाइम था और वहाँ पे तरावी कंप्लीट हो चुकी जो कि 10 दिन की थी। तो गाइस हमारा नोवा रोज़ा कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह, और 10 या 12 पारे हो चुके होंगे मस्जिद में भी, ये कन्फर्म नहीं है। तो चलो चलते खाना खाते हैं फिर थोड़ा और दिखाते हैं आपको। गाइस 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 तो ये है पकौड़ी जो कि हमने ऑफिस में खा ली थी और बनी है शोबिन की बरी। तो देख सकते हैं ये चीज़ें हैं और जो कि ऑफिस में खा चुके थे, पर मिर्च की बनी है आज पकौड़ी, देखते हैं खा के। मिर्च बहुत तेज़ है गाइस। अभी बाहर चल के देखते हैं कि यहाँ तरावी कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना खाना है जो कि ऑफिस में बहुत ही अच्छा खाना खाने को मिला और खाया पेट भर के। अच्छा यहीं खा ले फिर, तो देखते हैं खाते हैं खाना और फिर चलते हैं बाहर थोड़ा घूमने, क्योंकि खाना खा के थोड़ा घूमना ज़रूरी है। तो गाइस देख सकते हैं अंधेरा है और यहाँ इस कमरे घर में है कुरान पूरा, आज आपको दिखेगा नहीं। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ये हेलमेट जो मैंने परचेज किया है, ये क्या है गाइस, मैंने भोपरा से, मैं आपको इसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा कहाँ पर है दुकान, और आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ज़्यादा महंगा भी नहीं, सस्ता मात्र 1200 रुपये का ये हेलमेट आपको मिल रहा है, और आप बाहर जा कहीं जाएंगे तो ये 1800 रुपये का हेलमेट होगा, देख सकते हैं आप। पर इसकी जो क्वालिटी है वो जेन्युइन क्वालिटी का है, और साथ में मैं आपको बता दूँ कि ये आपको जो मिलने वाला है वो डिटेल्स मैं आपको यहाँ दिखा दूँगा स्क्रीन पर, आप चाहें तो आप जाके ले सकते हैं। तो गाइस बहुत ही सस्ता हेलमेट और अच्छी क्वालिटी का है, मुझे पहन के बहुत कंफर्टेबल फील हुआ इससे। तो गाइस जो मैं कुरान का बता रहा था, कुरान पूरा हो चुका है और दुआ भी हो चुकी है वहाँ पे, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ, सरप्राइज़ है कि मैं हो सकता है किसी पॉपुलर इंसान से मैं मिल सकूँ, तो दिखाते हैं हम आपको वहाँ भी चल के। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आज किस किस का रमज़ान था गाइस,
और रमज़ान आज कैसा लगा आपको है आपका, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज बस अब करता हूँ वीडियो एडिटिंग, इस ब्लॉग को करता हूँ यही एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।